कहते हम सेवा के लिए बैठे और ये लूटने के लिए बैठे, इन्होंने और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जनता की, जमींदारों की जमीन पे इनकी नजर है और उसको ये सोच रहे कि उसी में पैसा है। पूरे देश के अंदर एक हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल चेंज किया है, दो गुणा किया है। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ करण खुराना। गुरुग्राम के मानेसर में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल लंबे समय तक प्रदर्शन और तमाम मंत्रियों से गुहार लगाने के बाद किसान अब मानेसर के IMT चौक के पास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रदर्शन करते हुए एक साल पूरा हो गया है, लेकिन खट्टर सरकार उनको सुनने को तैयार नहीं है। आमरण अनशन पर बैठे किसानों ने कहा कि बीजेपी JJP की सरकार से आज देश के युवा, देश के जवान और देश के किसान समेत सभी वर्ग परेशान हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने हमें हमारी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया और हमारी मांगों को नहीं माना तो खट्टर सरकार को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इसके अलावा किसानों ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अभी ये है कि हमारे धरने को 1810 एकड़ जमीन जो तो कासनगांव की सीमा में है और पिपरोला शहर हमने इसकी है, ये धरने को हमारे को एक साल हो गया 2011 के नोटिस थे और उसमें चलते चलते अब कई साल हो गया। एक साल में के अंदर कोई नेता कोई ऐसा नहीं आया तो जो आपके कहे भाई हाँ हम आपका ये कर देंगे। हम ही बेसक CM से मीटिंग की है, कोई ऐसा हमने नेता लोग नहीं छोड़े तो ना गए, लेकिन मुठा आश्वासन मिला है। अब हमने देख कर एक साल पूरा हो चुका है, हमने धरना ये क्या नाम है अनशन पर बैठ गए पर हमारे बीच में बैठे थे सरपंच साहब, वो दोपहर तक भी नहीं बैठना दिया, बीच में उठा दिया हम ये कर देंगे पॉलिसी ला देंगे, लेकिन ये पॉलिसी कोई नहीं है, ये नीति इनकी खराब है, ये लूटने की है और इसलिए हम इस धरने को मजबूत बनाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारा कोई फैसला ना हो जाए, आज का बाजार रेट नहीं मिल जाए या हमारी जमीन और कानून के हिसाब से भी ये गलत है क्योंकि ये कर नहीं सकते थे अवार्ड, इन्होंने अवार्ड भी गलत किया है तो वो हमारी लड़ाई हाई कोर्ट में चली हुई है। आपको बताया था 21 जुलाई लगी है और आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस रोहतक से वाई चंद्रचूड़ आए हैं जो ईमानदार है वो सही फैसला करेंगे और हमें हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ तक जाएंगे अपने। अब हमारे इसमें से कम 5000 लोग और BPL के दायरे में ला दिए क्योंकि हमारे बच्चों को भविष्य खत्म कर दिया। 80 लाख 90 लाख रुपए में क्या आएगा, 100 गज का प्लाट भी नहीं आएगा, बनाने के लिए कहाँ से पैसे ले आएंगे इन्होंने। यानी कि कोई भी माँ बाप ये अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम तो हमारे बच्चे 5-स्टार होटलों में वो रहे और सोसाइटी में रहे, विला में रहे, ठीक है अपना तो ये भला कर लेते हैं पर हमें हमारे बच्चों का तो भविष्य खत्म कर दिया। हमसे 1800 रुपये गज खरीद के, आप एक बार बताओ 1100 रुपये गज खरीद के और ये 1,10,000 रुपये मीटर बेच रहे तो कितना बड़ा मार्जिन कमा रहे। इनको सोचने चाहिए कि भाई इन जमींदार गरीब जमींदारों को किसी के एक एकड़ है, किसी का आधा एकड़ है, इनको सरकार अच्छा कहती है अगर भाई हम क्या नाम है सबका साथ सबका विकास ही, पर ये तो बोला हर घर को छत चाहिए, हमारी छत ने तो उजाड़न लग रही है। इनसे झूठी सरकार सच्ची बता रहे हैं कि जो हमने आज तक हम 48 साल हमारी उम्र होगी 48 में से 28 साल तो हमें होश होगा, राजनीति देखते होंगे पर 28 साल में हमने ऐसी झूठी और बेकार सरकार, ये अपना अपना भला चाहते हैं। मेरा नाम अजय गांव से आ रहा हूँ। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार के पास पैसे नहीं, सरकार के पास किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है, अपने ऐशो आराम के लिए अपने बंगलों के लिए उनके पास बतेरे पैसे हैं। हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल देख लो, पूरे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल देख लो, BJP के ऑफिस देख लो, A1 बना रखे हैं A1 और सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी हो रही है जिसमें ये लगा लो कि हम अपनी भैंसों को बिना रखे ऐसी सरकारी स्कूलों की हालत हो रखी है। टीचर्स सरकारी स्कूल में से कम कर दिए कम करने के साथ साथ बच्चे कम हो जाएंगे। अब मेरा जैसा कोई भी हो या फिर कोई भी हो जब उसमें शिक्षा ही नहीं रहेगी तो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएगा, फिर प्राइवेट की तरफ भागेगा, प्राइवेट में खर्चा इतना है कि कोई गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। और रही बात पैसों की कि आदमी 80% जो टैक्स है वो गरीब जनता पे करती है इंडिया का,
और बाकी का 20% है वही अमीर तबके से आता है, 80% देश को गरीब जनता ही पाल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपने उन किसानों को सुना जो 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाले जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता। किसानों ने आने वाले समय में कई बड़े फैसले लेने की भी सरकार को चेतावनी दी है। ऐसे में खट्टर सरकार के लिए आने वाला समय काफी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव है और किसानों ने बोल दिया है कि इस सरकार को हम सबक जरूर सिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।